हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। 1.4 बहुत ही इजी है और इतना आप लोग को अच्छे से बताएंगे ना कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका देखिए सबका इवैल्यूएट ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। इसका इवैल्यूएट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका साइन क्या लगा है। देखो, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, यानी -30 में ये 10 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -13/10, इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, देखो 13, यदि हम 10 के टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, क्या 30 कट नहीं जाएगा, कट जाएगा, यानी 10 3 जा 30, और माइनस तो है तो माइनस रहेगा और ये हो गया 3। आंसर सबको डिवाइड आता है ना, डिवाइड तो सबको आता होगा। अब चलिए ये देखिए अगला, 15/-5। तो पहले इसको लिख लो 15/-5। ठीक है, और जिनको नहीं करने आ रहा होगा तो उनके लिए एक उपाय, बहुत ही बढ़िया उपाय बताते हैं। जैसे इतना लिखा हुआ है ना कि 50/, इसको डिवाइड कितना करना है, करना है 5 से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे करोगे, 5 1 टाइम्स में तो 5 कट गया। ऊपर से जब 0 उतारते हैं तो 0 यहाँ भी बैठाना पड़ता है, यानी 10 टाइम्स में एक कट जाएगा। लेकिन देखेंगे कि इसमें माइनस है कि नहीं है, तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ भी लगा देंगे, इसको कटा देंगे कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स, और माइनस तो रहेगा तो -10 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके आप बना सकते हो। अगला देखो, -36/-9। देखो ऊपर माइनस नीचे माइनस, यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आपका बच क्या गया, 36/9। तो 9 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 9 4 जा 36, यानी इसका आंसर हो गया 4। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, -49/49। तो देखो 49 49 वन टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, माइनस है तो -1 हमारा बच गया। अब इसको देखो सॉल्व करना, थोड़ा सा आप लोग को कठिन लग रहा होगा लेकिन है बहुत तेज, ध्यान से देखिएगा। 13 डिवाइडेड, अब ये जो ब्रैकेट लगा है ना, तो पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, आइए हम पहले ब्रैकेट वाला ही काम कर लेते हैं। -2 है अब +1 है, यही है ना, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 13/13 डिवाइडेड बाई, देखो -2 और 1 कितना होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि देखो -2 में से 1 ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, नहीं माइनस करना पड़ेगा, तो -2 है बड़ा का साइन, यानी माइनस साइन लगा देंगे, तो -2 + 1 -1 आ गया। अब 13 में क्या करना है, 13 में -1 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स कटेगा, 13 टाइम्स में ही, यानी और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि 0/-12। देखो याद रखिएगा कि 0 में किसी भी संख्या से यदि आप भाग देते हो, एनी नंबर, तो उसका वैल्यू जो होता है 0 ही होगा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, वो 0 ही होगा, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, -31 है तो -31/, पहले ब्रैकेट लगाए ना, तो ब्रैकेट को पहले ब्रेक करो, तोड़ो, तो -30 अब +, क्या हो जाएगा, -1, इतना हो गया। अब -31/-30 और -1 कितना जाएगा, -32 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, ये -31/-32,
माइनस माइनस कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 31/32, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार फिर से समझो, ये कितना है, ये है आपका 31 और माइनस, ये कितना है -31 और -1, ओ सॉरी यहाँ पर 32 नहीं 31 नहीं होगा, क्योंकि -30 और -1, माइनस तो साइन रहेगा लेकिन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये भी 31 ही होगा, तो यहाँ पर 31 यहाँ भी 31, 31 31 कटाओगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, ये हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पर जगह नहीं है इसके लिए, एच के लिए, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, क्या है -36/12 और ÷3, यानी इसको दो बार डिवाइड किया गया है। तो पहले आप लोग सीखिए कि पहले जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना उसी को सॉल्व किया जाता है, जिसमें ब्रैकेट नहीं रहता उसको बाद में। तो पहले इसको डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा, -36 में 12 को क्या करना है, डिवाइड करना है अब ÷3, तो 12 3 = 36 यानी -3/3 आ गया। अब -3 में 3 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो देखो -3/3 लिख सकते हो, 3 1 = 3 कट गया, यानी ए हो गया -1 आंसर। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह बच गया तो आई को यहीं पर सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, क्या है -6 और +5 है तो +5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई, अब ये क्या है -2 तो -2 +1 इतना हो गया। ठीक है, -6 और +5, इसको माइनस प्लस माइनस होता है तो ये तो बड़ा का साइन है तो माइनस लिखेंगे क्योंकि ग्रेटर का साइन लिखा जाता है, और डिवाइडेड बाई -2 + 1, माइनस प्लस माइनस होगा तो 1 आएगा लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस होगा। अब इसको डिवाइड कर दो -1/-1, माइनस माइनस कट गया, 1/1 कितना 1 हो गया, ये आपका आंसर। ओके ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई डैट ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इजकल टू, मतलब इक्वल लिख करके इसको ऐसे इसका पेट फाड़ दोगे ना तो नॉट इजकल टू हो जाता है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। कह रहा है कि आपको पहले से प्रत्येक के लिए ए बी सी का वैल्यू दिया गया है तो आप इसको वेरीफाई करके दिखाइए, एक बार इसके लिए एक बार बी के लिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ए नंबर को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ए के लिए आपको ए का वैल्यू दिया है 12, बी का वैल्यू दिया है -4 और सी का वैल्यू दिया है 2। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है इस पर, चलिए हम चेक करते हैं। वेरीफाई करना है कि ए बी प्लस सी नॉट इजकल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो ए देखिए, ए होता है एल एच एस और ए होता है आर एच एस। ठीक है, ये एल एच एस और ये आर एच एस, जब आपको एल एच एस का वैल्यू ए बी सी का मान रख करके निकाल लेंगे और आर एच एस का ए बी सी का मान निकाल कर चेक कर लेंगे, जब दोनों इक्वल नहीं होगा तब हम कहेंगे वेरीफाई हुआ, इक्वल हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे फॉर एल एच एस, हम सबसे पहले एल एच एस से चलते हैं। एल एच एस में क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ए का वैल्यू 12 है, हमने 12 लिख लिया, और बी का वैल्यू -4 है तो -4, प्लस सी, सी का वैल्यू कितना है 2, तो हमने 2 लिख लिया, कितना हो गया 12 - -4 - 2। तो 12 में -2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में कट जाएगा, 6, यानी ए आ गया 6, -6, क्योंकि माइनस है ना तो -6 हो गया। अब हम यहाँ पर आर एच एस चेक करते हैं, फॉर नाउ लिखेंगे, नाउ फॉर आर एच एस, आर एच एस क्या है
ए भागे बी प्लस ए भागे सी, ठीक है। ए ए का वैल्यू 12, तो 12 डिवाइडेड बाय बी, बी का वैल्यू -4, तो -4 प्लस ए ए का वैल्यू 12, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय सी, सी का वैल्यू 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब 12 में -4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, -3 टाइम्स, प्लस 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो अब देखो तो -3 और 6 कितना हो जाएगा, 3। अब चेक करिए, ए हो गया LHS और ये हो गया RHS, तो क्या करेंगे हम चेक करेंगे, सिंस यहाँ पर लिख लेंगे, सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, देखो इसका -3 और ये 3 आ गया, -6 और ये 3 आ गया, इक्वल है नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, दिख रहा है ना, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी लिख देंगे लास्ट में कि हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है बी, इसको इस पेज पर बनाते हैं ताकि हमारा वहाँ पर जगह तो बचा नहीं, तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए। बी है, एक के लिए दिया है -10, बी के लिए दिया है 1 और सी के लिए गिवन है 1, तब आपको इस पर चेक करना है, दिख रहा है ना, आपको कंडीशन है वेरीफाई करना है कि ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ए बी का, इसमें पहले ए होता है LHS और ए होता है RHS, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर LHS से चलते हैं, फॉर LHS, LHS में क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, तो ए ए का वैल्यू कितना, -10, तो ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई बी, बी का वैल्यू 1 और प्लस सी का वैल्यू 1, तो ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई 1 2, तो -10 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने टाइम्स, -5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो LHS हो गया। अब हम Now for RHS, RHS क्या है, A divided by B plus A divided by C, A, A का वैल्यू कितना है, -10, तो -10 divided by B, B का वैल्यू 1, तो 1 plus A, A का वैल्यू है -10 और divided by B का वैल्यू है 1, तो 1, तो -10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही आएगा, अब प्लस -10 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, वो भी -10 ही होगा, तो -10 प्लस माइनस -10, ये आ गया -10 -10 -20, यानी LHS, सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल तो नहीं हुए क्योंकि -20 है, -5 आ गए, तो क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं 3 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर कैसे इसको फिल इन द ब्लैंक्स को हम बनाएं, थोड़ा हमें कठिन लगता है, कितने बच्चे को बहुत इजी भी लगता है, तो तरह तरह की बातें होती रहती है, लेकिन देखो बहुत इजी है। 369 में यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि 369 ही आ जाएगा, तो यदि मान लो इसको 1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 369 में 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आता है, ये तो बात आपको पता है, तो 1 से कर देंगे इसमें तो हमारा सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -75 में, -75 में किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि -1 आ जाए, तो देखो यदि हम इसमें 75 से डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, क्योंकि 75 में 75 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, अब माइनस पहले से लगा है, तो देखो -1 हो गया।
इसमें देखो माइनस 206 में किस संख्या से डिवाइड कर दे कि वन आ जाए, तो देखो इसको माइनस 206 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाता है। यहाँ पर माइनस 87 में किस नंबर से डिवाइड कर दे कि प्लस 87 आ जाए, तो माइनस वन से कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 87 में वन से करेंगे तो 87 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर किस नंबर में डिवाइड वन से करें कि हमारा माइनस 87 आ जाए, तो माइनस 87 में, क्योंकि माइनस 87 में वन से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। अब यहाँ भी यहाँ पर किस नंबर में 48 से डिवाइड कर दें कि माइनस वन आ जाए, तो माइनस 48 में, यदि माइनस 48 में 48 से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। यहाँ देखो 20 में किस नंबर से डिवाइड कर दें कि माइनस टू आ जाए, तो इसमें 10 से, माइनस 10 से ना, माइनस 10 मतलब 20 में माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। इसमें देखो इस नंबर में किस यहाँ पर किस नंबर से 4 से डिवाइड कर दें कि माइनस 3 आ जाए, तो यदि हम मान लेते हैं माइनस 12 में, माइनस 12 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। तो ये नंबर आप लोग को देखते देखते ही पता चल जाता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। बस आपको समझना होगा कैसे क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से बनाइए, सब बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी, मतलब अपने को क्या करना है और पेयर बनाना है 5 है ए और बी इंटीजर लेकर के, सच डैट आपको पहले से दिया गया है कि ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू माइनस 3, वन सच पेयर इज 6 माइनस 2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3, मतलब पहले से इस कंडीशन पर आपको 5 और पेयर बनाना है इंटीजर का, और पहले से आपको ये दिया गया है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको इस पर और 5 पेयर्स बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले आपको जो दिया है ना, इसको देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कि a डिवाइडेड बाई b इजकल टू माइनस 3, अपने को क्या करना है कि a b का ऐसा वैल्यू रखना है, a b का ऐसा वैल्यू रखना है कि आपको माइनस 3 आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए हम नंबर वन बनाते हैं पहले, ए और बी का जो पेयर लेते हैं, यदि मान लो कि हम ले लेते हैं माइनस 9, 3, तो ए हो गया ए बी हो गया, तो माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, माइनस 3 हो जाएगा। यदि हम सेकेंड लेते हैं, सेकेंड क्या लेते हैं, मान लो कि माइनस 12 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो क्या होगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, माइनस 3। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या ले लें, यदि मान लो माइनस 15 को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या होगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, माइनस 3। अगेन 4 ले लो, 4 ले लेते हैं, मान लो क्या ले लें, माइनस 21 और 7 तो कितना जाएगा, माइनस 21 और डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा, माइनस 3। और 5 ले लेते हैं माइनस 18 और 6 तो क्या हो जाएगा, माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 इजकल टू माइनस 3, ये हमारा आंसर। देखो क्या करना था इस क्वेश्चन में कि राइट 5 पेयर इंटीजर ए बी, आपको ए बी का पेयर बना करके सच डेट इस पर मतलब ए और बी को डिवाइड करें तो माइनस 3 आना चाहिए। वन सच पेयर इज, मतलब आपको एक दिखा दिया गया है यहाँ पर कि इसी तरह से आपको भी करना है। हमने क्या किया, ए बी पेयर बनाया, फिर उसको इस पर डिवाइड करके सबका -3 -3 ला दिया। आप कोई भी नंबर सोच सकते हो लेकिन उसका आंसर -3 होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो, कहने का मतलब है कोई टेम्परेचर है दोपहर में 0 से बढ़ करके 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, और ये डिक्रीज हो रहा है पर घंटा में, यानी पर हावर्स में ये 2 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है। मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो,
ये पूछ रहा है कि बताइए कि टेम्परेचर 0 से कम यानी -8 डिग्री तक कब पहुंचेगा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। ये अपना आप पूछ रहा है कि बताइए आप टेम्परेचर एक कब 0 से -8 डिग्री तक कब पहुंचेगा, मतलब 0 से छोटा, मतलब बिलो, मतलब नीचे। पहले बात को समझिए, पहले आपको हम पैराग्राफ क्या बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि कैसा बनेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका, हम बनाएंगे फिगर, फ्लोइंग नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यदि आप एग्जाम में फिगर बना देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, ओके। देखो ये है मेरा टेम्परेचर, यहाँ देखो 0 डिग्री है, ठीक है। अब 0 डिग्री से क्या हो रहा है, 10 डिग्री एभव, दोपहर में नून में, नून टाइम पे, आफ्टर नून टाइम पे दोपहर में एभव जा रहा है इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस तक ये गया। उसके बाद इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट इज द टाइम वुड द टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो द जीरो। देखो यहाँ से तो गया, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि हर दो घंटा में 1 डिग्री, हर एक घंटा में 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यानी जब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कहाँ पर -8 डिग्री, 0 से -8 डिग्री नीचे, तो नीचे तो इधर होगा माइनस में, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। यहाँ तक यही पूछ रहा है कि यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लग रहा है। अब यहाँ पर ये भी दिया है कि पर हावर में 2 डिग्री सेल्सियस कम भी हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस तो गया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद इसका जो घटती हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, जो डिक्रीज हो रहा है हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, मेरा पेन नहीं चल रहा है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर देखो यहाँ आ जा रहा है। यही पूछ रहा है कि टोटल कितने घंटा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में भी 100% आएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जो दिया है उसको लिखो, द टेम्परेचर द टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो रहा है, पर हावर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज, 2 डिग्री सेल्सियस कितने में, 1 आवर्स में। तो इसका टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। मान लो कि टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस में, 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो इसको हम ये निकालेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने घंटा में होगा, तो आधे घंटा में, 30 मिनट में, यानी 1/2 आवर्स में, ठीक है। तो वो भी चीज़ लिखेंगे कि द टेम्परेचर, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, जब 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में, तो 1 डिग्री सेल्सियस उसका आधा यानी 1/2 आवर्स, ठीक है। अब चलिए द टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो रहा है, टोटल यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होने में कितना टेम्परेचर हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 यहाँ से देखो, 1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, यानी एटीन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर डिग्रीज 18 डिग्री सेल्सियस, ना यहाँ से यहाँ तक 18 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लिखेंगे लिखेंगे कि द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। तो एक कितने घावर्स में होगा, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में, डिक्रीज होने में 1/2 हावर्स लग रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में 18 × 1/2, इसको मल्टीपल डिवाइड कर दो 9, यानी 9 हावर्स में क्या होगा, 18 हावर डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो 9 हावर्स ये हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल टाइम, व्हाट विड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, मतलब वो कितना मतलब टाइम लग रहा है, ठीक है, वो मिडनाइट पहुंचने में टेम्परेचर को कितना लगेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक होने में 18 डिग्रीज 9 हावर्स लग रहा है, ठीक है, कम होने में। तब हम लिखेंगे, अब टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखो टोटल टाइम यहाँ पर जो देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है कि द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव द जीरो, नून मतलब दोपहर, यानी 12 बजे दोपहर, 12 बज रहा था कब, दोपहर, यानी 12 नून लिखेंगे, अब प्लस ये 9 हावर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो तो 12 और 9 को जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हावर्स, 21 हावर्स हो जाएगा, यानी 21 हावर्स में क्या हो जाएगा, ये -8 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तो यदि आप बताओ 21 हावर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि -8 डिग्री टेम्परेचर होने में कितना टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ देखो 12 हावर्स में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, तो 12 के बाद और इसमें 9 करो, 12 के बाद 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना, अब से अब से 12 के बाद 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मतलब PM, 9 PM में क्या हो जाएगा, 9 PM में क्या हो जाएगा, देखो लिखेंगे 10, 9 PM द टेम्परेचर 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 9 PM पर क्या हो जाएगा, ये हमारा टेम्परेचर बिलो हो जाएगा 0 से -8 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5, और इसको ध्यान से देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर है, इन ए क्लास टेस्ट -3 मार्क्स आर गिवेन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। देखिए एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें करेक्ट आंसर देने पर -3 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर गिवेन फॉर एवरी इनकॉरेक्ट आंसर। यदि आप गलत आंसर कर रहे हो तो इनकॉरेक्ट पर -2 मार्क्स आपको मिल रहा है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्पिंग एनी क्वेश्चन। सॉरी, कहने का मतलब है कि यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो उस पर नो मार्क्स, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि राधा स्कोर 20 मार्क्स इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। कह रहे कि राधा जो है ना वो 20 मार्क्स ला रही है, यदि सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर करके आई है तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। अब आपको ये बताना है कि गलत करके कितनी आई है। तो देखिए हम फर्स्ट नंबर को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले जो मार्क्स गिवेन है करेक्ट आंसर पर उसको लिख लेते हैं, मार्क्स गिवेन फॉर
वन करेक्ट आंसर, वन करेक्ट आंसर कितना मिल रहा है? थ्री। तो मार्क्स गिवन ने कितना बना कर आइए, 12 करेक्ट करके आइए ना, तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर, वन करेक्ट पर थ्री मार्क्स, तो 12 करेक्ट पर 12 × 3 यानी 36 मार्क्स। ठीक है, अब राधा स्कोर कितनी की है? 20 मार्क्स। तो लिखेंगे राधा, राधा है कि राधिका? राधा ही है। राधा स्कोर, राधा स्कोर 20 मार्क्स लेकर आई है। तब आपको बताना है वो कितना गलती, इनकॉरेक्ट आंसर कितना करके आई है। तो क्या करेंगे, करेक्ट में से जो राधा जो टोटल मार्क्स आया है उस मार्क्स में से इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकॉरेक्ट आंसर, फॉर इनकॉरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 − 36 कितना जाएगा? −16। ठीक है, यानी −16 मार्क्स वो क्या किया, इनकॉरेक्ट आंसर बना करके आई है। ठीक है, तब हमें क्या करेंगे, आपको तो भी पता है यदि इनकॉरेक्ट बना रही है तो एक क्वेश्चन पर उसको −2 मार्क्स मिल भी रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि नाउ मार्क्स, नाउ मार्क्स गिवेन फॉर वन इनकॉरेक्ट आंसर कितना मिल रहा है? −2 मार्क्स। ठीक है, तो कैसे बताएंगे कि उसका गलत कितना हुआ था? तो जितना हमारा इनकॉरेक्ट का इसका आंसर आया हुआ है उसमें से वन इनकॉरेक्ट आंसर को डिवाइड कर देंगे। तो कर दीजिए, लिखेंगे देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर निकालेंगे क्या हम, नंबर ऑफ इनकॉरेक्ट आंसर क्या कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर −16 / −2। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8, यानी 8 क्वेश्चन जो की है वो क्या की है, गलत करके आई है। तो लिखेंगे 10, इस प्रकार राधा क्या की है, राधा हैज अटेम्प्ट इनकॉरेक्ट आंसर ना, अटेम्प्ट 8 इनकॉरेक्ट, 8 इनकॉरेक्ट आंसर, इनकॉरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, राधा ने 8 क्वेश्चन गलत करके आई है, तब हमारा इसका 20 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट के लिए। अब जस्ट इसी तरह से मोहनी का है, तो मोहनी वाला आप लोग बना सकते हो ना, नहीं बना पाओगे? नहीं बना पाओगे तो चलो हम बना करके दिखाते हैं। ठीक है, आइए मोहनी वाला हम बना देते हैं। क्या है ध्यान से देखिएगा, सेकंड मार्क्स गिवन 7 करेक्ट आंसर, पहले ध्यान से देखिएगा, मोहनी का स्कोर जो है −5 मार्क्स है। इन दिस टेस्ट सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, कितना करेक्ट बना कर रही है? 7, और आपको करेक्ट पर कितना −3 मार्क्स मिल रहा है कि 3 मार्क्स कितना मिल रहा है? इन द टेस्ट −3 मार्क्स गिवेन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, −3 मार्क्स कितना मिल रहा है? −3 नहीं, +3। ठीक है, 3 मार्क्स मिल रहा है करेक्ट आंसर पर। आइए तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो करेक्ट आंसर इसको मिल रहा है उस पर, और 7 करेक्ट आंसर बना कर आई है। तो मार्क्स गिवेन फॉर
गिवेन फॉर सेवन करेक्ट आंसर, कितना करके आइए सेवन सेवन करेक्ट आंसर कितना जाएगा थ्री, एक सही पर यानी एक करेक्ट पर थ्री मिल रहा था, सेवन पर थ्री इंटू सेवन 21। ठीक है, अब मोहिनी स्कोर कितना कर रही है भाई, माइनस फाइव। मोहिनी स्कोर कितना कर रही है, माइनस फाइव। अब क्या करेंगे, आपको तो ये भी बताना है ना कि हाउ मैनी क्वेश्चन हैज अटेम्प्ट इनकोरेक्टली, इनकोरेक्टली कितना बना करके आ रही है। तो क्या करेंगे, माइनस फाइव में से ये माइनस को इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे मार्क्स मार्क्स ऑप्टेन फॉर इनकोरेक्ट आंसर, इनकोरेक्ट आंसर कितना जाएगा, ये माइनस फाइव है और माइनस 21 हो जाएगा, दोनों करेंगे तो माइनस 26 आएगा। ठीक है, तो नाउ आपको ये भी पता है ना कि इनकोरेक्ट पर कितना मिलता है, माइनस टू मार्क्स। तो लिखेंगे नाउ मार्क्स गिवेन फॉर मार्क्स गिवेन फॉर वन इनकोरेक्ट वन इनकोरेक्ट आंसर कितना मिल रहा है, माइनस टू। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकोरेक्ट आंसर, इनकोरेक्ट आंसर क्या, इसको इसमें से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 26 डिवाइडेड बाई माइनस टू यानी 13। 13 क्वेश्चन क्या कर रही है, रॉन्ग बना करके इनकोरेक्ट बना करके आ रही है। लिखेंगे इस प्रकार 10 मोहनी हैज अटेम्प्ट 13 इनकोरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्या करके आ रही है, एक गलत क्वेश्चन बना करके आ जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है, 7 देखिए, 7 है कि एन एलिवेटर डिसेंड्स, देखिए 7 नंबर है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू माइनशाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंड स्टार फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। कहने का मतलब है कि कोई माइंड सॉफ्ट है, ठीक है, माइंड सॉफ्ट है, वो पर मिनट के हिसाब से 6 मीटर क्या हो रहा है, डिसेंट स्टार वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो माइंड सॉफ्ट है वो 10 मीटर एभव, मतलब ग्राउंड से, ग्राउंड जो है उससे 10 मीटर एभव है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच -350 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब -350 मीटर जाने में उसका टोटल कितना मिनट लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है, इन दोनों को पहले तो ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देंगे और उसके बाद हम बता देंगे। देखो बहुत इजी है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से, पहले क्या करेंगे कि हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, तो 10 मीटर ऊपर, अब प्लस, अब ग्राउंड से नीचे आ रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया 10 मीटर, और फिर 10 से यहाँ तक कितना आया, यानी -350 मीटर। अब आपको सर यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाए, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना लगेगा, 10 मीटर, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगाते हैं, माइनस, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब देखो मान लो कोई इंसान है यहाँ पर है,
या एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर और यहाँ से फिर यहाँ तक जा रहा है, तो उसका टोटल डिस्टेंस निकालने में तो ऐड ही नहीं करना होगा, घटाएंगे थोड़ी। यदि यहाँ पर डिस्टेंस निकालना रहता है कि यहाँ से यहाँ तक है, टोटल डिस्टेंस इतना है और इसको यहाँ से इतना तक आने में बताना है समय टाइम, तो आपको माइनस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 360 मीटर उसको जाना है। आपको टाइम बताना है इसको कितना लगेगा। तो पहले एक बात देखिए, आपको यहाँ पर दिया है कि माइंस अप एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर एक मिनट में जा रहा है, 1 मिनट में। तो हम लिखेंगे कि नाउ जो दिया है, नाउ टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाई इट, कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट। यहाँ पर देखो पर मिनट मतलब 1 मिनट, ठीक है। तब देखिए यदि 6 मीटर को कवर करने में 1 मिनट्स लग रहा है, तो 1 मीटर का निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बाई इट, 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1/6 मिनट लग जाएगा, 1/6 मिनट लग जाएगा। तो उसी तरह हमें कितना, 360 मीटर जाना है। तो लिखेंगे देयरफोर टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस माइनस 360 मीटर कवर करने में। तो 1 मीटर को 1/6 लग रहा है, तो 360 का 1/6 × 360 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 60 टाइम्स, यानी कितना मिनट, 60 मिनट्स। देखो यहाँ पर हमें कितना मिनट लग रहा है इसको कवर करने में, 60 मिनट्स लग रहा है। 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होता है ना, यानी 1 आवर्स लग जाएगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि इस प्रकार यानी 10 इन वन हावर द माइंड शाफ्ट रीच माइनस 350 बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से यहाँ तक मतलब माइनस 350 मीटर जाने में 1 आवर्स लगेगा। बस आप इतना बना दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी दिक्कत आता है, समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, आप ज़रूर संपर्क करें 8383896119 पर, ओके। और जिनको फुल कोर्स करना है, क्लास 7 का मैथ कितना भी आप लोग का वीक क्यों ना हो, यदि फुल कोर्स करना है तो ज़रूर मेरे से संपर्क करें इसी नंबर पर। आप मेंबरशिप में, सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाएंगे, उसके लिए 499 रुपया लगता है, 499 में आपका पूरा फुल कोर्स 100% तैयारी करा दीजिए। जितना भी आपका मैथ वीक होगा 100% तैयारी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना होगा जरूर ज्वाइन करें, और हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हाँ, कॉल या मैसेज आप करो, चाहे अपने घर में जो भी बड़े होंगे, आपके मम्मी पापा भाई जो भी होंगे, आप उनसे कॉल करा के जरूर बात करिए, आपको 100% तैयारी करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।